तो कैसे आप लोग लोग तब तो तो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम रिडीम करने जा रहे हैं हो हो। तो गाइज हो हो आज हम रिडीम करेंगे 300 टिकट से। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला और मैं कमेंट्री भी क्या ही करूँ गाइज, पता नहीं कैसे कैसे रिवॉर्ड देने वाले वो लोग। तो चलिए फटाफट करते हैं। चलो रिक्वाजा का फ्लूट तो मिला। अरे भाई अच्छा पॉकी मत दे दे भाई, एक लेजेंडरी पॉकी मत दे दे। साइटिक बॉल मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता गाइस, बस हो हो लास्ट मिल गया और क्या चाहिए। और सब तो मेरे को सब पता है, सब टट्टी देने वाले हैं ये लोग। चलो ब्रावलेट तो मिला। तो गाइस ये वीडियो में मेरे को ज़्यादा कमेंट्री में क्या ही करूँ गाइस, हाँ बस यही है। और हाँ गाइज एक बात मैं आप सभी को ये बताने वाला था कि आप लोग ये कह रहे थे कि तुम कैसे दोगे सबको वीआईपी कैसे दोगे, बहुत लोगों ने कमेंट करा था। तो गाइज वीआईपी देने के लिए देखो एक ही वो है प्रोसेस है वीआईपी के लिए। मुझे जिसको वीआईपी देना उसके लिए उसका आईडी मेरे पास मांगिए। तो गाइज तुम्हारा आईडी तुम दो और रिस्क की कोई बात ही नहीं है गाइज, क्योंकि आपका भाई है, मुझ पर भरोसा करो गाइज। एक मतलब रिस्क की तो आपकी आईडी को मैं कुछ नहीं करने वाला, बस वीआईपी आपको दे दूंगा। और गाइज और तो क्या ही बोलूँ, आप अपना आईडी देना, आपके आईडी लेकर के मैं आपके वीआईपी वन करवा दूंगा। तो चलो ग्रोडन की भी एक फ्लूट मिल गई। तो भाई अभी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है तो शायद ये मेरा लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, दो तीन दिन तक शायद मेरा कमेंट्री वीडियो ना आए। तो चलिए देखते हैं मेरा तबीयत कब ठीक हो जाता है। अगर ठीक हो जाता है तो मैं जल्दी करूँगा, नहीं भी ठीक होता तब भी मैं ट्राई करूँगा कमेंट्री करने का। वाटर बॉल भाई कॉफी दे दे भाई, एटलीस्ट केक दे दे, वही काम आएगा। और सब तो सब है ही अपने पास, चलिए देखते कितने पॉइंट्स हो गए। 860 हो गए गाइस और हमने 150 यूज़ कर लिया, 150 टिकट पर कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा चीज़ दे दें सब वही है। सेम चीज़ मिल रहा गाइस, हेमराम। चलो एक अच्छा मूव मिला, चलो एक बढ़िया चीज़ मिल गया गाइस। और ये मैं भी हमारे पास पहले से ही था, हाँ गाइस पहले से ही था क्योंकि मैंने सारे सारे 11 अनलॉक कर रखे हैं। तो देखते हैं उसके हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। मैं भी इसका फ्लूट कंप्लीट हो गया होगा, हम इसे रिडीम कर सकते हैं। फाइव फ्लूट और चाहिए गाइस, अभी से मुझे रिडीम करना नहीं पड़ेगा, इसे मैं फ्लूट से ही पकड़ लूँगा मे बी, बट लेट्स सी। आज तो नहीं पकड़ पाऊँगा, फिर कभी दोबारा जब हम 300 टिकट से करेंगे तो मे बी उसे मैं पकड़ लूँ। भाई अच्छा पोकेमॉन दे दे। 40 चलो उस तो सही मिला, हंटर मिला। तो ये हंटर को मैं यूज़ करूँगा मेरी कल एक्सचेंज में, एक्सचेंज करने के लिए, या फिर मैं इसका इंडिविजुअल वैल्यू देखता हूँ क्या सही है हमारे गेंगार के लिए। तो अगर वो सही रहेगा तो ज़्यादा ही हेल्प कर जाएगा। तो इसके हमारे पास 10 हो चुके हैं, तो इसे हम रिडीम कर सकते हैं, बट आज नहीं, कभी और। मैं अपने जितने भी फ्लूट है सबको कलेक्ट करके मैं रिडीम करूँगा। तो मूव्स भी बढ़िया बढ़िया नहीं मिल रहे, एक दो बढ़िया मिले हैं, लेकिन अगर मुझे अभी टॉन्ट मिल जाता तो भाई बहुत सही रहता, क्योंकि टॉन्ट मुझे देना है अभी, गेंगार को भी देना है और होप्पा को भी देना है। अगर मैं होप्पा को देता हूँ तो गेंगार को नहीं दूंगा, गेंगार को देता हूँ तो होप्पा को नहीं दूंगा। लेट्स सी पॉइजन पॉइंट, चलो ये भी बढ़िया मूव है भाई, पर ये साइड में एक एक्स्ट्रा था डीग। चलो कैंडीज मिल गए, 10 कैंडीज लेवल 3 की, तो ये भी बढ़िया बात है। मे बी गाइस मे बी मुझे लगता है 1500 पॉइंट्स हो चुके हैं, चलिए चल के जल्दी से देख लेते हैं। ओहो एग्जैक्ट 1560, 10 टिकट ज़्यादा ही यूज़ कर लिया मैं। तो चलिए फटाफट हो हो को रिडीम कर लेते हैं, हो हो को ही करना चाहिए गाइस। और कोई है रेजी जी जैस, ये मुझे उतना पसंद नहीं है क्योंकि इसका एचपी बहुत बढ़िया है लेकिन अटैकिंग टाइप बढ़िया नहीं है। रेजी रैम मेरे पास पहले से ही है। और हो हो गाइस हो हो एक बढ़िया पोकेमोन है, और मैं देखूं कोई और डिट्टो गाइस, मैं इसके बाद इसे पकड़ के मैं सिर्फ डिट्टो पे ध्यान दूंगा क्योंकि डिट्टो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जिराची भी मुझे पकड़ना है, तो देखते हैं कितना पकड़ सकते हैं। तो गाइस अभी तो मैं हो लेने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टोरेज फुल हाफ
अच्छा, अभी हमने पोकेमॉन पकड़ा है तो उसमें उसी के कारण स्टोरेज फुल हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। अरे गाइस बहुत सही, रिलीज। तो चलिए अपने हो को फाइनली ले ही लेते हैं। हो यस, तो फाइनली गाइस हो इज आवर्स। मैं इसे यूज़ में भी करूँगा क्योंकि इसका डिफेंस भी बढ़िया है और अटैकिंग टाइप भी बहुत बढ़िया है गाइस। तो चलिए देखते हैं हो का किस टाइप है। मुझे मैं भी स्पेशल टाइप ही है। तो इसका डिफेंस, अगर मैं डिफेंसिव प्ले यूज़ करता हूँ तो नेचर सही है, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू कम है। तो इसका टू टाइम अटैक टाइप है। अच्छा, ये अटैक टाइप है गाइस। तो हो बढ़िया पोकेमॉन है, बट मैं अभी इसे यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि अटैकिंग टाइप मेरे पास ऑलरेडी तीन तीन है। मैं और अपने आर्मी में ऐड नहीं करना चाहता, तो यस हम ये यूज़ करेंगे। 52 लेवल, 32, 40 लेवल तक हम चले जाएंगे। 44 फ्लेम थॉर, ये अटैकिंग टाइप है तो इसका एक भी अटैकिंग टाइप मूव नहीं दिया गाइस, क्यों ऐसा? आई डोंट नो व्हाई, टू टाइम्स अटैकिंग टाइप है। और चलो सही है, इसका एबिलिटी देख लेते हैं। अच्छा प्रेशर, तो प्रेशर में क्या काम करता है? अगर किसी भी पोकेमॉन में पोकेमॉन ने हमारा पोकेमॉन को मारा तो उसका पीपी 2 हो जाता है। तो गाइस चलिए फटाफट हो को बैटल में उतार के देख लेते हैं कितना पावर है हो में। थोड़ा डिफिकल्ट मैंने गलती से चूज़ कर लिया, पर देखते हैं हो इतना पावरफुल है या नहीं है। अरे ऑटो फाइट, एंसेंट पावर, अरे भाई साहब कंप्यूटर ड्रैगन टेल। ओहो, तो गाइज अभी हो को ट्रेन करना बहुत ही बाकी है, पर कोई ना, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे उतना। तो चलिए, तो गाइज आज की वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ गाइज, मेरे को वो देखना है कितना, मेरे को 50, 30, अरे 30, 50, 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
550 दिस वाज आई वाज वेटिंग फॉर। देखते हैं हमारे पास कितने सारे श्रेड हो गए हैं। तो 1540 गाइस बहुत ही ज़्यादा है। तो हम अभी चाहें तो बहुत सारे अपने गियर को अपग्रेड कर सकते हैं, पर अभी तो मैं जिस चीज़ को यूज़ करता हूँ वो सब अभी सही है। तो और गेंगार हमें हंटर बहुत बढ़िया मिला था, तो देख लेते हैं गेंगार के लिए हंटर सही रहेगा। स्पेशल डिफेंस टाइप नहीं गाइस, डिफेंस बहुत ही कम कर रहा है, तो हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि डिफेंस बहुत ही ज़्यादा मायने करता है। तो चलिए गाइस हो को फॉलो करके भी देख लेते हैं। हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोकेमोन है गाइस, चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखो गाइस इसकी ब्यूटीफुल कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप लोगों को तो पता ही होगा हो आर द फर्स्ट मिथिक पोकेमोन सीन इन एनिमी। तो गाइस हो बहुत ही बढ़िया पोकेमोन है। ऐश ने सबसे पहले एनिमी में देखा था हो को फर्स्ट ही एपिसोड में। ये देखो कितने खूबसूरत है ये। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ गाइस हमारे 400 सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं, तो जल्दी से और 500 पहुंचा दीजिए और मैं जल्दी से गिव अवे कर लूँ। मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ किसे मिलता है, क्योंकि बहुत ही लोगों ने अपील कर रहे हैं कि मुझे देना। गाइस वो तो आपके लक में रहेगा कि वो किसको मिलेगा, तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और मैं कैसे पिक करता हूँ कमेंट्स को, तो वो रैंडमली मैं पिक करूँगा, वो एक वेबसाइट से मैं रैंडमली पिक करूँगा। तो वो मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं वो वेबसाइट किसे पिक करे। तो गाइस इसीलिए
अगर आपका लक है तो पक्का आपको मिल जाएगा गाइज। तो चलिए गाइज यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। आई एम जोकिंग।